यदि कथन Pn इस प्रकार है कि Pn 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 2n माइनस 1 बराबर n स्क्वायर प्लस 10 हो, तो सिद्ध कीजिए कि Pn सत्य है, तो Pn प्लस 1 भी सत्य है। तो क्या गणितीय आगमन का प्रयोग करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि कथन Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध है? हम वापस वही तीन चरण इसमें करेंगे, n बराबर k, n बराबर k प्लस 1 और एक बार हम n बराबर 1 रख के देखेंगे। सर्वप्रथम चरण एक, माना n बराबर k सत्य है, तब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 2k माइनस 1 बराबर k स्क्वायर प्लस 10। इसी तरह n बराबर k प्लस 1 रखने पर हम देखते हैं जो अंतिम पद हमें प्राप्त होगा 2k प्लस 1 माइनस 1, इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2k प्लस 1। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1। अब यहाँ 2k माइनस 1 के जस्ट पहले वाला स्टेप जो है वो 2k माइनस 1 होगा, अतः 2k माइनस 1 2k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। इस पूरे को समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 10 और अंतिम पद है 2k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। इसे यदि हम देखें तो ये आपके पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 अर्थात p k प्लस 1 सत्य है। अब n बराबर 1 के लिए तो p 1, 1 का स्क्वायर प्लस 10 बराबर 11 जो कि सत्य नहीं है, अर्थात दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य नहीं है। तो यह सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सत्य नहीं है।